मैं नीरज मित्तल सरकारी आई टी आई बटाला विखे वेल्डर ट्रेड इंस्ट्रक्टर हाँ। अज मैं हफ्ता नंबर 17 का जो प्रैक्टिकल का टॉपिक है वह आप जी के अगे दसन जा रहे हैं, व्याख्या करन जा रहे हैं उसकी जॉब कि तैयार करनी है। टॉपिक का नाम है फिलर टी जॉइंट ऑन एम एस प्लेट 10 mm थिक इन ओवर हैड पोजिशन बाय SMAW। इस असी आर्क वैल्डिंग द्वारा ओवर हैड पोजिशन 10 mm थिक प्लेट का टी जॉइंट तैयार करा। इसके लिए सानू हेठ लिखे टूलों की जरूरत पेगी, और टूलों बारे पहले व्याख्या कर रही है। नंबर एक तो सानू स्टील रूल की जरूरत पेगी, चिपिंग हैमर की जरूरत पेगी, इलेक्ट्रोड होल्डर, अर्थ क्लंप, चिपिंग गोगल्स, वेल्डिंग स्क्रीन या हेलमेट, वेल्डिंग पोजिशनर टेबल, वेल्डिंग सेट, ट्रैसकेर, वायर ब्रश, हैंड एक्सा फ्रेम विद ब्लेड। हूँ इस जॉब की ड्राइंग समझिए। एक जॉब जिदा नाम तो लिखा ओवरहेड पोजिशन। ओवरहेड पोजिशन का मतलब की है, सिर तो उपर वेल्डिंग, ठीक है। ओवरहेड पोजिशन च असी सिर तो उपर वेल्डिंग करते हैं। इसके लिए असी जो मटीरियल दिता ड्राइंग अनुसार असी 50 mm फ्लैट की तो पीस की कटिंग करा, दो पीस कट लाँगे। 120 mm असी लेंथ रही है, 50 mm साड़ी थिक अपनी विड्थ है, 10 mm साड़ी थिकनेस है। इस दो पीसां नूं असी सब तो पहले उहदी ड्राइंग दित्ती हुई ड्राइंग अनुसार मार्किंग करांगे, फिर इसकी है हैक्सा फ्रेम के द्वारा कटिंग करांगे। कटिंग करने तो बाद फिर असी इस दे तल ते किनारियां नूं साफ करांगे ताकि वेल्डिंग साड़ी साफ है, वेल्डिंग प्लेट के उत्ते किसी तरह की रस्ट वगैरह ना लगी होए, किनारे साडे बिल्कुल ठीक होने चाहिए। फिर असी इस वेल्डिंग करने तो पहले अपना जो वेल्डिंग सैट है उसनों अपनी वो पोजिशन सही कर लाँगे, कनैक्शन वगैरह तो नहीं कोई लूज, कोई आसे पास कोई जलन वाला मटीरियल वगैरह तो नहीं। ओवरहेड पोजिशन करने वाले असी अपनी सावधानियों का भी ध्यान रखना, अपने गोगल्स, हैलमेट, अपना एपरन, यह सारा ग्लव्स का प्रयोग करना वेल्डिंग करने दौरान। इलेक्ट्रोड होल्डर जो वरतेंगे वह 3.15 mm का वरतेंगे जिदे फस्ट रन लगावे। तो जो इसनू ओवरहेड पोजिशन करना वा सब तो पहले टैकिंग जरूर कर लाँगे ताकि इसकी पोजिशन बिल्कुल साड़ी सही हो, इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही है। फिर इस कलैंप की सहायता के नाल ओवर ओवरहेड पोजिशन हैंग करांगे पोजिशनर टेबल से। फिर इसके उत्ते फस्ट रन चलावे रूट रन, रूट रन जरा होगा 3.15 mm के इलेक्ट्रोड के नाल होगा। जो अगला जेकर रूट रन लगाना वो इलेक्ट्रोड 4 mm का भी वरत सकते हैं। तो अपनी वेल्डिंग होने तो बाद पीस न आराम अपना हौली हौली ठंडा करना है, जकदम मैं पानी च नहीं पाना है, इसके नाल डिस्टोरशन या क्रैक का दोष आ जाते हैं। और जो पीस ठंडा हो जाता फिर असी इसकी स्लैग उतारा, चिपिंग हरमन स्लैग उतारा, तो वायर ब्रश न साफ करा। हूँ असी इस प्रैक्टिकल के रूप में वेखीए। हूँ असी हफ्ता नंबर 17 की जो साड़ी जॉब सी टी जॉइंट ओवरहेड पोजिशन उसकी मटीरियल की कटिंग करा। उस मटीरियल की कटिंग लिए सौ जो सू मटीरियल की जरूरत है वह साडा MS फ्लैट प्लेट 50 mm जिदी थिकनेस है उस तो अं मटीरियल की कटिंग करा। हूँ दिती हुई ड्राइंग के अनुसार असी इस सू दो पीस चाहिए है ये टी तैयार करने लिए। हूँ असी सब तो पहले उसकी मार्किंग करा, मार्किंग असी अपना स्क्राइबर की सहायता न स्केल की सहायता न ट्राई स्केल की सहायता के नाल करा। ये जिदा असी 70 mm का पीस कट्टना लेंथ तो उहदे वास्ते असी 1 या 2 mm लंबाई का मार्जन रखांगे। लंबाई का मार्जन इस करके रखा जाता है जो कटिंग अलाउंस हुंदा वा, जो कटिंग करी दी है उहदे जिहड़ा किनारे आ किनारे की सैटिंग करनी रेती के द्वारा बाद च सैटिंग करनी पैंदी है, वह साडे अंडर डिमेंशन ना हो जाए, इस करके बिल्कुल एकूरेट डिमेंशन हो। इस दे लई सानू कटिंग अलाउंस जरूर रखांगे।
जॉब लई जो मटीरियल की जरूरत है उसकी असी मार्किंग कर ली है। हुण असी अपने हैक्सा की सहायता से ब्लेड की सहायता दे नाल कटिंग करांगे। कटिंग करने वाले जो ब्लेड फिट करी दा हैक्सा फ्रेम च बस उसका इस चीज का ध्यान रखना है एदे कटिंग टीथ की पोजिशन अगले पासे होए क्योंकि इसके जेडे अगले फ्रंट टीथ जेडे होंदे आ उस वेले कटिंग होंदी है। इस नूं प्रोंक्स दे विच बिल्कुल सही तरह फिट करना चाहिदा है। साडा हैक्सा ब्लेड फिट हो गया। इस नूं लूज नहीं रखना, जे लूज रखांगे साडा हिलेगा ते उहदे ब्लेड दे टुटण दे चांस ज्यादा हो जाणगे। जदों इसकी कटिंग करनी है जिहड़ी मार्क कीती होई लाइन है उसके उत्ते ही हैक्सा ब्लेड चलना चाहीदा। ते कटिंग दी सहायता लई सानूं असीं पानी का प्रयोग कर सकते हैं जो कि एक कटिंग लई हैल्प करदा वै। इस सब तो पहले असि लैंडमार्क करांगे ते हैक्सा ब्लेड असि शुरू तो लैके एंड तक चलावांगे। असि लाइन लगा ली है। लाइन लगाने तो बाद हुण असि इसकी कटिंग करांगे। कटिंग करने वाला बस यह ध्यान रखना है कि अपनी पोजिशन ब्लेड का कटिंग पूरी होनी चाहिए है। हुण असीं की जॉइंट जो ओवरहेड पोजिशन विच बनाना है उहदे पीस की कटिंग हो गई है। पीस असीं इहदी सरफेस तह भी साफ कर ली है ताकि साडी बैडिंग बिल्कुल सही आए, किनारे बिल्कुल ठीक कर ले। हुण अगला स्टैप है साडा मार्किंग का। मार्किंग असीं इसकी करांगे मिन के उहदी सहायता दे नाल, स्केल की सहायता दे नाल, ट्रस स्केल की सहायता दे नाल। इह पीस की साडी पीस की चौड़ाई किन्नी है 50 mm पूरी। इस दे 25 mm का निशान लगावांगे। 25 mm का निशान लगा के उसते असी ट्रैसके की सहायता दे नाल ते स्क्राइब की सहायता दे नाल लाइन नू मार्क कर लांगे। यह लाइन साडी मार्क हो गई है, यह लाइन मार्क हो गई है। हुण यह जिहड़ी पीस है साडा यह इस दे सेंटर च आना चाहिए। हुण इसकी आ किनारे है जेडे साडे ओके है। हुण इस नू असी 5-5 mm की दो निशानियां लगा लांगे ताकि साडे पीस की मार्किंग बिल्कुल सही आए। हुण असी 1-5 की यह निशानी लगा ली है, 1-5 की इधर निशानी लगा ली। हुण असी ट्रैस के दी सहायता नाल ही असी निशानी नू लगा के यह साडी निशानियां लग गई। हुण असी आ जो पीस है इसनू इस ते रख के बिल्कुल प्रोपर टैकिंग करांगे। टैकिंग करने नाल साडी हो जाएगी पीस की चैकिंग हो जाएगी, पीस साडा बिल्कुल प्रोपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हुण इस दे लई सानू अपने कलंप की जरूरत पै सकती है। हुण असी कलंप की सहायता दे नाल वैल्डिंग करन जा रहे हैं। असी अपना वैल्डिंग सैट चालू कर लिया। वैल्डिंग करंट मैं 130 ampere रखा इसमें घुमा के जिथो स्क्रीन तो वेख्या जा सकता है 130 ampere से करंट एदा सैट किया वा। हुण असी वैल्डिंग करने तो पहले आस पास वेख लांगे कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं। कनैक्शन साडे बिल्कुल ठीक है, अर्थिंग पूरी लगी हुई है, कनैक्शन साडे बिल्कुल ओके है, इलैक्ट्रोड होल्डर ठीक है, इलैक्ट्रोड वगैरा लगा लिया गया ते अपने वैल्डिंग करने तो पहले अपने एप्रल्स ग्लव्स स्क्रीन का जरूर प्रयोग करना। हुण सब तो पहले असी टैग वैल्ड करांगे। ठीक है, टैग वैल्ड की पोजिशन रख ली है ते अपने पीस होल्ड किया होया। हुण इस इलैक्ट्रोड की सहायता दे नाल असी टैग वैल्ड करन जा रहे हैं।
हूं एक पासे का टैक वेल्ड लगा लिया, हम दूसरे पासे का टैक वेल्ड लगा जा रही है। हम असी चेक करांगे जी जॉब तैयार की है उसकी अलाइनमेंट प्रोपर है, अपनी पीस अपना अलाइनमेंट तो निकलता की जो सानू नजर आया इसकी पीस की बिल्कुल अलाइनमेंट ठीक है। हूं असी आ पोजिशनल टेबल है, पोजिशनल टेबल है, हूं इसी ओवरहेड पोजिशन से टाइट करांगे, टाइट करने तो बाद इसकी बाकी की वेल्डिंग करके इस जॉब न कंप्लीट करांगे। टैक वेल्डिंग होने तो बाद हूँ इस पोजिशन टेबल से असी पीस ओवरहेड पोजिशन होल्ड कर लिया, हूँ असी इस बीड लगावे। जॉब साड़ी ओवरहेड पोजिशन बन के तैयार हो गई है, इसनों असी ठंडा कर लिया, हूँ इसनों असी इस जिहड़ी स्लैग बनी हुई है उसनों उतारन दी काम करांगे, चिपिंग हैमर दे सहायता दे नाल इसकी स्लैग उतारांगे। जॉब तो स्लैग उतरन का काम हो गया, जॉब साफ नजर आ रही है, यह साड़ी ओवरहेड पोजिशन टी जॉइंट साडा तैयार हो गया, उस आसे पास साफ करने लई वायर ब्रश की जरूरत होंदी है, ते वायर ब्रशिंग की सहायता के नाल इस नूं साफ करके जॉब नूं फाइनल टच दे सकते हैं।